लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राजनांदगांव में नामांकन रैली के दौरान पीएम मोदी के सिर पर लाठी मारने की बात कही थी। इसी पर करारा जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में चरणदास महंत ने कांग्रेस को निपटाने का काम किया है। महंत ने षड्यंत्र से 3 कांग्रेस प्रत्याशियों पर लाठी चल गई है। ओपी चौधरी ने कहा कि महंत ने राजनांदगांव से भूपेश बघेल का कबाड़ा कर दिया है, सख्ती से शिव डहरिया को 17,500 वोटों से हरा दिया है। महंत ने बिलासपुर में देवेंद्र यादव को बाहरी घोषित करते हुए हराया है। भूपेश बघेल को आगे करके लाठी वाला बयान चरणदास महंत जी जाकर के राजनांदगांव में भूपेश बघेल जी का कबाड़ा कराए। उधर उनका गृह विधानसभा क्षेत्र सख्ती पड़ता है, वहाँ डॉक्टर शिव डहरिया जी को 17,500 वोटों से हरवा दिए। देवेंद्र यादव जी को उन्होंने घोषित कर दिया है बाहरी हैं। इस तरह से सबको निपटाने का काम चरणदास महंत जी ने किया है और निश्चित रूप से कांग्रेस एक डूबती नाव है और इस डूबती नाव में की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है और देश के लिए एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो कांग्रेस कर पाने में आज भी सक्षम है। कांग्रेस की वो संस्कृति है, ये सत्ता लुलुपता की राजनीति करते हैं, बिजनेस पैसा की राजनीति करते हैं, माफियाओं को संरक्षण देने की राजनीति करते हैं, इसलिए इनके आपसी स्वार्थ टकराते रहते हैं। समाज निर्माण राष्ट्र निर्माण की कोई राजनीति कर रहे होते तो एक सकारात्मक भाव से सब लोग मिलकर काम करते। जो कांग्रेस के सत्ता लुलुपता भ्रष्टाचार और माफिया राज की राजनीति में एक दूसरे के हित टकराते हैं इसलिए एक दूसरे का सर फोड़ते रहते हैं। सर, ये लाठी किस पे चली है? मोदी जी पर लाठी चलाने वाले हैं, बात कह रहे हैं। मोदी जी तो देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, जनता ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। लाठी चली है भूपेश बघेल जी के ऊपर चरणदास महंत जी के षड्यंत्र से, लाठी चली है डॉक्टर शिव डहरिया जी के ऊपर चरणदास महंत जी के षड्यंत्र से, और लाठी चली है देवेंद्र यादव जी के ऊपर चरणदास महंत जी के षड्यंत्र।